जी, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? नहीं, मैं बस थोड़ा मेडिटेशन कर रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा हाँ, बेबी कहाँ है? सो रहा है। चलो अच्छी बात है, अब मेरे साथ चलो जी, मैंने आपको ना कुछ दिखाना है। चलो, अरे चलो तो सही ना, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बस, प्रॉमिस। चलो, लेकिन मैं आदि को छोड़ के कैसे आ सकता हूं? अरे कह रही हूं ना, सिर्फ 5 मिनट बस। हाँ, ए सुन, इधर सुन, मैं राजी को लेके जा रही हूं, 5-10 मिनट लगेंगे, तो घर का ध्यान रखना और बेबी का भी। हाँ, जवाब क्यों नहीं देती, ये गूंगी है क्या? ये तो रो रही है। ओए सर में दर्द, बस ठीक हूं मैं। क्या बात है, ठीक से बोलो नंदनी। अरे कुछ बताएगी भी, क्या हुआ तेरे को, क्यों रो रही है? हाँ, अरे नहीं, इसके हस्बैंड ने। और तू बता, तुझे पैसे भी छुपाने नहीं आते, कहाँ छुपाए थे तूने? सबसे ऑब्वियस जगह में रख दिए तो ढूंढेगा ही ना वो। कैसी बातें करती हैं लोग, लाल मिर्च के डिब्बे में। चुप हो जाओ, अति धीरे बोलिए प्लीज। अरे लाल मिर्च खाता नहीं है तो देखेगा भी नहीं क्या? बिल्कुल दिमाग नहीं तेरे पास, सच्ची में। अगली बार छुपाने हो ना तो तकिए के नीचे छुपाया कर, मैं भी वहीं छुपाती हूँ। आप भी पैसे छुपाती हैं? हाँ, अरे पैसे तो छुपाने पड़ते हैं। सुशील अंकल खुद के पैसे क्यों छुपाएंगे? अरे उनसे जो ही छुपाती हूँ, इन काम करने वालों से छुपाती हूँ, इनका पता थोड़ी है, छुपा के तो रखने पड़ेंगे ना, रोज आते काम। अब तेरे को क्या हो गया, क्यों गला फाड़ फाड़ के रो रही है? तेरी ना हिम्मत कैसे हुई इस घर में आके ऐसी बात करने की, है? शर्म नहीं आती तुझे? आप डांटते नहीं इसको? अरे पर तूने इनके जैसे के बारे में तो बोला ना कि सारा दिन बीवी काम पे जाती है, घर में बैठता है, बीवी की कमाई खाता है। वैसे कितना खराब लगता होगा राज को सब करते हुए, ऊपर से तू आके ये सब सुनाती है, शर्म आनी चाहिए तुझे, मुंह बंद रखा कर के बारे अपना। में नहीं बोल रही थी आंटी जी। भी जाग जाएगा, राजी। अब बेबी का ध्यान रखो, मैं कल आती हूं, कल चलेंगे हम लोग।